उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए एक एक करके दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह ने शासन में अपने कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लिए वो आज भी मानक बने हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के लिए यदि सत्ता छोड़नी पड़ी तो उन्होंने तत्काल पद से इस्तीफा दिया था। कल्याण सिंह का जाना न सिर्फ समाज के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य मान्य कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से मान्य कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं।
कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छु होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़, वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का पारस ने उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोड़ा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें।